नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड की आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है और उसी परीक्षा के उत्तर कुंजी के संबंध में मैं आप सभी के समक्ष पुनः एक बार हाजिर हूं। टीम की ओर से रमन मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है पेपर अच्छा गया होगा। जीएस पोर्शन के सिलेक्शन पर सबसे पहले हम बात करते हैं। जीएस का अगर प्रश्न पत्र देखा जाए, प्रश्न पत्र काफी अच्छा सेट किया गया था और जिन जिन बिंदुओं का उसने जिक्र किया था, सवाल सभी से पूछे गए हैं। और पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो लेवल हम कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जिनको हम मॉडरेट की संज्ञा में डाल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉडरेट कहेंगे, इजी तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि कुछ सवाल आपके ऐसे पूछे गए हैं जैसे करंट वगैरह में देखा जाए तो करंट वगैरह का जो पोर्शन ना लग रहा कि पहले ही तैयारी आपकी जूनियर एडेड की थी संस्था के द्वारा, लगातार कोविड के चक्कर में जो पेपर लेट होता गया, तो इन सब आधारों पर अगर देखा जाए तो पेपर का स्तर एक अच्छा स्तर रहा है। सामान्य जो आपके अभ्यर्थी रहे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है जो सवाल पूछे गए। एसएसटी की चाहे बात करें, चाहे गणित और विज्ञान पोर्शन की बात करें, गणित विज्ञान पोर्शन भी आपका काफी अच्छा रहा। मैं जीएस के आपके जो है प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहा हूं, इसके बाद विज्ञान और गणित का मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, एसएसटी का भी, सभी आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो भाग एक जो कि आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, लिटरेसी रेट पूछा था और इसका जो सही उत्तर होगा वो 74.04% होगा, ठीक है। अपने यहां अगर 2011 जनगणना से देखें लिटरेसी रेट तो 74.04% था, सही उत्तर इसका ये होगा। दूसरा कह रहा कि उत्तर प्रदेश बजट से सवाल पूछा है, केस 22 यानी फरवरी का ये आपका प्रश्न हो गया, मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया, तो इसके लिए सारे लोग जानते हैं 1000 करोड़ रुपए इसका जो है इसके लिए आवंटन किया गया था, ठीक है, 1000 करोड़ रुपीज आपके इसके लिए आवंटित किए गए थे, ध्यान रखिएगा। तीसरे प्रश्न की अगर बात करें, तीसरा पूछा है मृदा अपरदन के कारक पूछा था कि कौन कौन से इसमें से कारक हैं या कौन कौन से आपके कारक जो है उनमें से, पूरा युग्म दिया, पहला दिया है बहता हुआ जल, जाहिर सी बात है सॉइल एरिजन में इसका हाथ होता है, भूजल से सॉइल एरिजन का कोई संबंध नहीं, समुद्र की लहरें होता ही होता है, ठीक है। तो पहला और तीसरा यानी एक और सी यानी विकल्प इसमें ए दिया है, जो भी आपकी सीरीज होगी वो आप लोग मैच करा लीजिएगा, ए और सी इसमें से सही विकल्प होगा। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी से पूछा था, ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी में अनुवांशिक विभिन्नताएं आती ही आती हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जैविक जातियां जितनी हैं ये भी इसी के अंतर्गत हैं, जैविक समुदायों की विभिन्नता भी है और पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं भी, यानी इसमें सबके सब होंगे। विकल्प के तौर पर जिन्होंने ये सभी चुना है वो सारे के सारे मित्र इसमें सही जाएंगे। अगला पूछा है पांच नंबर, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किससे मेजर करते हैं, ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण की जो हमारी तीव्रता होती है सारे लोग जानते हैं डेसिबल में मेजर की जाती है, बहुत बार ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, मैंने भी कराया कि शहरों में आपके जो एक मानक स्तर होता है WHO कितना मानता है, 45 डेसिबल, 50 कितना आपके लिए नुकसानदेह होती है वो सब। छह नंबर पूछा था कि आपका अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया, ठीक है, कर समाप्त किया था, तो अकबर के द्वारा जो जजिया समाप्त किया गया था ये 1564 में समाप्त किया गया था, ठीक है, 1564 में इसको समाप्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये छह सवाल हो गए, आगे बढ़ते हैं तो अगले सवालों की ओर। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सात नंबर जो इसमें प्रश्न दिया है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा है INC का चेयरमैन कौन था 1938 में, ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा सात नंबर में वह विकल्प आपका होगा सी, सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने 1939 में इस्तीफा दिया था, ठीक है, और इस्तीफा के बाद फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो इसमें सी जवाब होगा सुभाष बाबू ने, ठीक है। आठ नंबर सवाल पूछा है कि अधोलिखित में किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, ठीक है, तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा यह 1874 की बात थी, ठीक है, 1874 की बात थी जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। नौ नंबर सवाल कह रहा कि ब्राह्मी लिपि का उद्भव जो है बाधन किसने किया, सबसे पहले पढ़ा किसने एक तरीके से, तो इसमें नौ नंबर में जो ये भी प्रश्न आपका बहुत बार आया है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा क्या किया गया, पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था, बी विकल्प इसमें दूसरा सही है। दस नंबर पूछा है निम्नलिखित राजवंशों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए, अब ये सब प्रश्न आपके PCS के स्तर के हो गए, ठीक है, कह रहा कि कौन सा सही होगा, तो इसमें दस में ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो आपका आया था, ठीक है, इसमें सबसे पहले हरियक वंश होगा नंबर वन पर, उसके बाद हम बात करेंगे तो नंद वंश आएगा, ठीक है, दो नंबर पर, और फिर हम बात करेंगे तो मौर्य आपका साम्राज्य होगा तीसरे पर, और उसके बाद शुंग वंश आपका चौथे पर होगा, ठीक है, यानी जिन्होंने क्रम आपका चुना है कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और
पहला, ये सारे मित्रगण इसमें से सही है, ये जो प्रश्न पत्र है इसमें सी विकल्प दिया है, जिन्होंने 10 में सी का चयन किया होगा वो सारे लोग सही होंगे। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है, ठीक है, तो 11 नंबर में जो सही विकल्प होगा ये विकल्प आपका होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 12 नंबर सवाल पूछा है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियों में आपकी नर्मदा नदी होगी जिसके द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है, ठीक है, नर्मदा सही जवाब है। 13 नंबर पूछा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन सारे लोग जानते हैं मार्च 1946 की बात है, ठीक है, मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन 42 और कैबिनेट मिशन आपका 46। 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 14 नंबर पूछा है कि भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति किसका होता है, एक्स ऑफिसियो होता है राज्यसभा का, यानी दूसरा विकल्प इसमें से सही होगा, ठीक है, राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15 नंबर सवाल पूछा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है, 11वीं 12वीं सारे लोग जानते हैं, ठीक है, कि हम लोग पंचायती राज व्यवस्था वाला, तो इसमें जो आपका सही विकल्प जाएगा 15 में वो विकल्प आपका होगा बी, 29 विषय आपके जो है इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, 29 सब्जेक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला 16 नंबर रीजनिंग का प्रश्न दिया था, एफ रेशियो दिया था 216 और उसके बाद फिर आपका प्रोपोर्शन लगाया था, एल का रेशियो पूछा था, तो इसमें 16 में जो आपका सही जवाब जाएगा ये जाएगा 1728, जिन्होंने विकल्प के तौर पर इसमें तो सी दिया है, जिन्होंने 1728 चयन किया वो सारे लोग सही है। 17 नंबर सवाल रीजनिंग थोड़ा सा आसान दिया था, 17 नंबर में जो सही विकल्प होगा, ठीक है, गंगा को 71 लिख रहा है, तो पूछा था कि भैया जो है सरजू को या सरयू को कैसे लिखा जाएगा, सरजू को कैसा लिखा जाएगा, और इसमें जो 17 में सही विकल्प होगा ये डी विकल्प होगा, 1911 आपका, ठीक है, 81021 ये आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा डी विकल्प इसमें की जो कि आपका दिया है, ठीक है, 1911 810 21 ये विकल्प आपका डी वाला सही होगा, सरजू को लिखा जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 18 नंबर का सही जवाब आपका 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें विकल्प ये दिया है, जिन्होंने ये विकल्प 10 किलोमीटर का चयन किया वो सारे मित्रगण सही है। ऐसे 19 नंबर सवाल पूछा है कि 2:30 पर दोनों सुइयां घंटा और मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा, तो 19 में जो आपका सही जवाब होगा ये 105 डिग्री का कोण बनाएंगे, ए विकल्प जिन लोगों ने चुना है 105 डिग्री वो सारे मित्रगण सही होंगे। 20 नंबर में सादृश्यता के बारे में पूछा था, प्रयागराज गंगा तो अयोध्या किसके किनारे है, तो 20 में जो सही जवाब होगा, ठीक है, अयोध्या प्रयागराज आपका गंगा, और 20 में जो आपका सही जवाब जाएगा वो ध्यान रखिएगा कि आपकी यमुना सरजू, ठीक है, तो सरयू नदी सारे लोग जानते हैं सादृश्यता के में। उसके बाद आपका 21 नंबर पूछा था भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ, ये प्रश्न अभी आपका जो है उसमें भी आया था रिपीटेड एक तरीके से, तो 21 नंबर में जो सही जवाब जाएगा जुलाई 2017 की बात थी जब जीएसटी आपका लागू किया गया था 1 जुलाई 2017। 22 नंबर की बात करते हैं तो 22 में क्या है पुद्दुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, तो 22 नंबर में जो सही विकल्प होगा वो विकल्प आपका आएगा ए, मद्रास के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका पुद्दुचेरी आता है, ये 22 में आपका सही जवाब है। उसके बाद हम 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो 23 नंबर में 1919 पूछा था आपसे, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से सवाल पूछा था कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जब हम बात करेंगे तो इसमें 23 में जो आपका सही उत्तर बनेगा ये बनेगा जैसे इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायर की जो ये 1935 में आपकी आई थी, ठीक है, प्रांतों में आई थी डायर की इसके द्वारा 1919 के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, तो सी विकल्प इसमें से सही नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 24 नंबर में, तो 24 में जो आपका सही विकल्प जाएगा तंजोर का जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो 24 नंबर में जो सही विकल्प होगा राजराज प्रथम के द्वारा, ठीक है, किसने कराया था, राजराज प्रथम ने तंजोर में जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण कराया था, ध्यान रखिएगा। फिर 25 नंबर पूछा है अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है, तो सारे लोग जानते हैं यह भी प्रश्न आपका कई बार आया है उद्यमशीलता विकास से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी आपके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ग्रोथ को लेकर के ये अटल नवाचार मिशन अपने यहां चलाए जा रहे हैं। 26 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 26 नंबर में जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है
उनको क्या कहते हैं? अब जाहिर सी बात है जल ओढ़ है, ठीक है, सारे लोग जानते हैं। चौथा जवाब इसमें से सही हो जाएगा। अगला पूछा भोज्य एवं भक्षक के बीच में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित समन्वय क्या कहलाता है? तो सारे लोग जानते हैं, यह फूड चेन होती है, भोजन श्रृंखला कहलाती है। अगला 28 नंबर का है कि समुद्र के तट पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? बेंथिक इनको बोलते हैं, जो आपके जीव जंतु समुद्र के तट पर रहते हैं इनको बेंथिक जीवाणु के तौर पर जानते हैं। अगला ऐसा 29 नंबर कह रहा, पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है और इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न जो विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? 4800 मेगावाट घंटा होगी, ठीक है, 4800 मेगावाट पर आवर होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, 4800 मेगावाट पर आवर, ए विकल्प इसमें से सही जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 29 के बाद आपके 30 नंबर की ओर। 30 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सारे लोग जानते हैं 28 फरवरी, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? माल्टोज में माल्ट पाया जाता है, ये तो सही है, एसिटिक अम्ल दही में, लैक्टिक एसिटिक सारी है। फार्मिक अम्ल को कह रहा दूध में, तो दूध में तो फार्मिक अम्ल नहीं, फार्मिक अम्ल आपके लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक है, लाल चींटी में होगा, इसीलिए इसमें तीसरा सही सुमेल नहीं है। 32 नंबर कह रहा रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया आपका सार्थक मिशन का संबंध किससे है? ठीक है, तो सार्थक सारे लोग जानते हैं, एक आपकी अपतटीय गश्ती पोत रही है, ठीक है, दूसरा विकल्प सही होगा, अपतटीय गश्ती पोत है जिसको सार्थक मिशन के तौर पर जाना, 6 अपने यहां शामिल की जानी है। 33 नंबर कह रहा निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो लक्षद्वीप आपका बना है, कौन बना है? लक्षद्वीप बना है, जो भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना। अगला पूछा है 34, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। साइमन आयोग की नियुक्ति, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिर आपका फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो मेहता साहब आपके सबसे पहले जाते हैं, 34 में जो आपका सही विकल्प होगा वो विकल्प आपका डी जाएगा, सबसे पहले मेहता साहब की मृत्यु हुई थी तो पहले पर आएगा, उसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दूसरा होगा, उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति तीसरा, और फिर गांधी जी आपके चौथे पर आएंगे, तो डी विकल्प का चयन जिन लोगों ने किया, ठीक है, वो लोग सही है। 35 नंबर कह रहा निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, जो लोग रात की क्लास 10 वाली लगातार अटेंड कर रहे उन्हें वाकई बहुत फायदा मिला होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उसी भाषा में पूछे गए, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 36 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो सारे लोग जानते हैं रेबीज, ठीक है, वायरस जनित है। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय निरूपण है? हृदय के लिए करते हैं, हार्ट के लिए ईसीजी, इलेक्ट्रियो कार्डियोग्राफी। उसके बाद 38 पूछा है, ठीक है, 6C12, 6C आपका 14, फिर आपका 1H1 दिया था और 1H3 दिया था, ठीक है, 3 1 7 जोड़ा था और फिर आपका जो है 1H3 17Cl आपका 33 और 17Cl आपका 34 या 35 था। पूछा था होते क्या? आइसोटोप्स होते हैं आपके, ठीक है, समस्थानिक होते हैं आपके। 39 नंबर में कह रहा कि निम्न में से कौन सा अम्ल प्रमुखता किस में पाया जाता है? टमाटर में, तो सारे लोग जानते हो टमाटर में सिट्रिक और मैलिक दोनों एसिड होंगी, यानी दूसरा सही होगा, सिट्रिक और मैलिक एसिड दोनों आपके टमाटर में होंगी। अगला 40 नंबर पूछा था COP21 पूछ लिया था, ठीक है, COP आपका 21 पूछा था, तो पेरिस 2015 सारे लोग जानते हैं, ठीक है, पेरिस जो जलवायु आपका मिशन ना 2015 वाला, इसमें ए विकल्प आपका सही जाएगा, 2015 पेरिस में हुआ था। 41 पूछा है भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन मिशन हर घर में एक नल का जो है लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूरा किया? गोवा वहां आपका राज्य बनता है जिसने इसको पूरा किया, चौथा सही हो जाएगा। किस राज्य में धार्मिक एक त्यौहार है थाई पूसम है मनाया जाता है? ये तमिलनाडु का आपका है, ठीक है, तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर कह रहा कि आपका किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश बाबा के द्वारा, ठीक है। 44 नंबर की बात करते हैं तो 44 कह रहा कि वर्ष 2020 का मैन बुकर पुरस्कार सारे लोग जानते हैं सग्गी बेन को दिया गया था, किसको? सग्गी बेन को दिया गया है 2020 का मैन बुकर पुरस्कार। 45 कह रहा हाल ही में भारत अफगानिस्तान की सहमत से सहतूत बांध किस नदी पर? अब सहतूत बांध वैसे सहतूत नदी पर है, अब सहतूत की सहायक नदियों में है, काबुल नदी की सहायक नदियों में है, ठीक है, ये प्रश्न डीपली दे दिया, और वो नदी आपकी मैदान नदी या मैदान नदी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैदान नदी पर आपका यह स्थापित हो रहा है सहतूत बांध, ठीक है।
उसके बाद आपका 46 नंबर दिया है कि 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने परसेंट थी। तो विश्व की जनसंख्या के भारतीय जनसंख्या देखें तो इसमें आपकी जो परसेंटेज था वो परसेंटेज 17.5% का था, ठीक है, 17.5% होगा, ध्यान रखेगा। 47 नंबर कह रहा कि कुमायूं हिमालय, ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन मैंने रात वाली में आपका करवाया, कुमायूं हिमालय आपका सतलज और काली के बीच में स्थित है, ठीक है, दूसरा विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। अगला पूछा था हरित क्रांति किससे संबंधित है, जाहिर सी बात है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से हरित क्रांति में स्वामीनाथन द्वारा लाई गई। 49 नंबर में कह रहा भारत का समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित होता है, तो अपने यहां पूर्वी तट ज्यादा प्रभावित होते हैं पश्चिमी तट की अपेक्षा, ठीक है। और इसमें आपका फिर देखा जाए कि कौन सा उत्तर आपका सही जाएगा पूर्वी तटों में आपके, तो वैसे तो इसमें जिस हिसाब से दिया है उड़ीसा गुजरात पश्चिम बंगाल केरला, ठीक है, पूर्वी तट ज्यादा होते हैं और इसमें जो आपका सही विकल्प बनेगा, ठीक है, वो आपका पश्चिम बंगाल भी हो सकता। वैसे इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है, स्टार लगा रहा हूं कि कौन सा तट आपका जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, पूर्वी तट ज्यादा प्रभावित होते हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें उड़ीसा भी हो सकता है, उड़ीसा गुजरात नहीं, इसमें पश्चिम बंगाल सही उत्तर होगा, सी आपका सही जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें जो आपका सही होगा पश्चिम बंगाल आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूर्वी तट ही अपने यहाँ पश्चिमी तट से ज्यादा होते हैं, सी विकल्प ही इसमें राइट आंसर होगा। 50 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, रेलखंड तो सारे लोग जानते हैं, नॉर्दर्न रेलवे हमारा सबसे बड़ा रेलखंड है, ठीक है, विस्तार सारे लोग समझते हैं, तो ये 50 क्वेश्चन के आपके उत्तर है। इसके बाद अभी थोड़ी देर में मैथ और साइंस के भी आपको जो है उत्तर कुंजी मिल जाएगी, और एसएसटी का पोर्शन हिंदी का पोर्शन जो भी आपके है अलग अलग संभाग सभी के मिल जाएंगे। उम्मीद है पेपर आपका अच्छा हो, ठीक है, और मैच करा लीजिए सारे लोग, उसके बाद हम लोग अभी आगे की सारे आपको धीरे धीरे उत्तर कुंजियां मिल जाएंगे सभी का। भाई बहुत बहुत धन्यवाद।